में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशलिज्म या समाजवाद। ये बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में जो सेकंड पेपर है जिसका विषय कोड है 105, उसके सिलेबस का पार्ट है। तो इसके पहले हमने पूंजीवाद देखा था हमने उसमें कि पूंजीवाद कैसे व्यक्ति को महत्व देता है, लेकिन समाजवाद जो कि समाज प्लस वाद से मिलकर के बना है, तो इसी में इसका अर्थ छुपा हुआ है कि जो समाजवाद है वो समाज को महत्व देता है व्यक्ति के, जैसे पूंजीवाद है वो समाज के ऊपर यानी समाज से अधिक व्यक्ति को महत्व देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देता है। लेकिन समाजवाद कहता है कि नहीं, व्यक्ति ठीक है लेकिन समाज पूरे सामाजिक हित में जो है कोई कार्य होना चाहिए। तो जो समाजवाद की विचारधारा है, अगर इसकी विशेषताओं की बात करें, तो ये समाज को जो है व्यक्ति से ऊपर रखता है, क्योंकि व्यक्ति भी समाज में ही रहता है, तो पूरे समाज के कल्याण की ये बात करता है। और क्रमिक विकास में, विकासवाद का मतलब है कि धीमे धीमे विकास, जबकि पूंजीवाद में आप देखते हैं कि विकास की एक प्रक्रिया जो है चलती है तीव्रता से, तो ये विकासवाद में विश्वास करता है कि जो है विकास होता है किसी भी समाज में वो धीरे धीरे होता है। ये पूंजीवाद का विरोध करते हैं, क्योंकि पूंजीवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा समर्थक है। उससे क्या होता है कि अमीर व्यक्ति और अमीर होता जाता है, गरीब व्यक्ति और गरीब होता जाता है, जिससे गरीबी अमीरी की खाई बढ़ती जाती है। और पूंजीवाद में व्यक्तिगत हित के लिए ही ज़्यादा कार्य किया जाता है, चाहे उत्पादन हो या कोई भी कार्य हो, सोशल वेलफेयर का कोई कार्य नहीं होता। यदि कोई गरीब है, निर्धन है, अशिक्षित है, उसके पास संसाधन नहीं है, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा ऐसा कुछ नहीं है, तो जो जो भी व्यक्ति है वो उनके लिए नहीं सोचता है कि चलो हम पूरे समाज के लिए सोचते हैं, कोई ऐसा कार्य करते हैं जो पूरे समाज के लिए होगा, वो अपने हित के लिए बात करता है। इसलिए जो समाजवादी हैं वो पूंजीवाद का विरोध करते हैं, क्योंकि पूंजीवाद व्यक्तिगत स्वार्थ पे आधारित है, केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति के महत्व को जो है वो प्रेरित करता है। जबकि जो समाजवाद है वो कहता है कि संपूर्ण समाज में सामाजिक न्याय होना चाहिए, और सामाजिक न्याय भी होना चाहिए, पूरे समाज का हित होना चाहिए, सामाजिक हित में कार्य करना चाहता है। साम्यवाद का विरोध करते हैं समाजवादी, क्योंकि देखिए समाजवादी समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं, संपूर्ण समाज के कल्याण में अपना कार्य करना चाहते हैं, और इसके लिए वो राज्य को आवश्यक मानते हैं। समाजवादी राज्य को आवश्यक मानते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जो भी सामाजिक कल्याण का कार्य है, सोशल वेलफेयर का कार्य है, जैसे रोड बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, स्कूल विश्वविद्यालय बनाना, तो ये राज्य ही करता है, तो इसलिए ये राज्य का समर्थन करते हैं। जबकि साम्यवादी राज्य का विरोध करते हैं, साम्यवादी कहते हैं कि क्रांति के द्वारा राज्य को ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो समाजवादी हैं वो साम्यवाद का विरोध करते हैं, साम्यवाद में विश्वास नहीं करते, क्योंकि साम्यवाद कहता है राज्य को ख़त्म कर दो, जबकि समाजवाद कहता है कि राज्य के माध्यम से ही सामाजिक कल्याण का कार्य किया जाएगा। ये पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना होगा, और इसलिए इस प्रकार से मेरा पढ़ाने का पर्पज़ है। कई स्टूडेंट कहते हैं कि ये किताबी लैंग्वेज है या किताबी ऐसे हेडिंग्स होते हैं, तो देखिए मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं व्याख्या कर सकती हूँ, लेकिन आप उसको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करेंगे, उसको टू द पॉइंट कैसे लिखेंगे, इसलिए आपको इन हेडिंग को एक माध्यम, एक साधन के रूप में पढ़ना पड़ता है। बाकी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आप उसे समझिए और समझ करके इन चीज़ों को लिखिए। केवल एक्सप्लेनेशन करूँगी, कंटेंट नहीं दूँगी, तो भी आप नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पे समाजवाद की अन्य क्या विशेषता है, लोकतंत्र में विश्वास। समाजवादी ऐसा मानते हैं कि जब लोकतंत्र होगा, वहाँ पे सरकार में, संसद में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जब पहुँचेंगे, तो वो जनता के हितों का ख्याल रखेंगे, क्योंकि वो 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं, फिर 5 साल बाद उन्हें जनता ही चुनेगी। तो ऐसे में लोकतंत्र के माध्यम से समाजवादी मानते हैं कि सामाजिक कल्याण किया जा सकता है। वर्ग सहयोग में आस्था, आप देखते हैं कि जो पूंजीवाद है वहाँ पे वर्ग संघर्ष की कंडीशन थी, और अमीर और गरीब वर्ग में टकराव और एक तरीके का संघर्ष दिखता है, लेकिन समाजवादी मानते हैं कि वर्ग में सहयोग पाया जाता है, क्योंकि दोनों ही वर्ग, चाहे पूंजीपति वर्ग हो, चाहे श्रमिक वर्ग हो, चाहे उत्पादक वर्ग हो, यानी जो फैक्ट्री कंपनियों के, इंडस्ट्री के ओनर हो, या फिर जो उसमें काम करने वाले कर्मचारी हो, उसमें सहयोग है, क्योंकि दोनों के हित परस्पर संबंधित हैं। उनको जो है कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है काम करने की, वही कर्मचारियों को बड़े बड़े फैक्ट्री जब भी स्थापित होते हैं तो उन्हें उससे नौकरी मिलती है, जॉब मिलती है, तो दोनों में एक सहयोग पाया जाता है। आर्थिक समानता पर आधारित जो समाजवाद है वो आर्थिक समानता की बात करता है। ये कहता है कि सबके पास अपने बेसिक नीड पूरी करने के लिए जो है उनके पास संसाधन
होना चाहिए। आर्थिक समानता का मतलब ये नहीं कि सबके वेतन समान होंगे या सबके पास संपत्ति समान होगी, लेकिन हाँ, बेसिक नीड जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं होंगी वो सबके पास समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। व्यक्तिवाद का ये विरोध करते हैं क्योंकि व्यक्तिवाद जो है सामाजिक हितों की अवहेलना करता है, उसकी कोई भी परवाह नहीं करता, ये व्यक्तिगत स्वार्थों को बढ़ावा देता है, तो समाजवादी जबकि सामाजिक हित को महत्व देते हैं, इसीलिए ये व्यक्तिवाद का विरोध करते हैं। राज्य के माध्यम से समाजवाद, समाजवादी राज्य को आवश्यक और अच्छा मानते हैं और ये मानते हैं कि राज्य के माध्यम से समाजवाद लाया जा सकता है, यानी पूरे समाज का कल्याण किया जा सकता है। राज्य उत्पादन के साधनों पर सामाजिक नियंत्रण या राज्य का नियंत्रण, तो समाजवादी ये भी मानते हैं कि उत्पादन के साधनों पर सामाजिक नियंत्रण होना चाहिए, ताकि जो भी संसाधन है, जो भी संपत्ति है, चाहे वो खनिज हो, चाहे वो जल हो, या फिर वो इस्पात हो, लौह हो, कोयला हो, जो भी हो, जितने भी प्राकृतिक संसाधन या भौतिक संसाधन है, उस पर राज्य का नियंत्रण हो, ताकि राज्य के माध्यम से उस पर सामाजिक नियंत्रण हो और समाज कल्याण में उनका प्रयोग किया जाए। ये नहीं कि एक ही व्यक्ति उसका प्रयोग कर रहा है, विदेशों में उसको बेच रहा है और खुद ही अमीर बने जा रहा है और आम जनता की कोई परवाह ही नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार समाजवाद जो है, आपने देखा कि ये संपूर्ण समाज के हित के लिए काम करता है। जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, जो निर्धन, अशिक्षित, जितने भी वो हैं, वंचित वर्ग हैं, सबके कल्याण की बात करता है, सोशल वेलफेयर की बात करता है। समाजवाद की जो विचारधारा है, ये भी आपको 19वीं सदी के शुरुआत में ही देखने को मिलती है। जब आप देखते हैं औद्योगिक क्रांति होती है 1866 में ब्रिटेन में, जब पूंजीवाद अपने चरम पे होता है, उसी समय समाजवाद भी उभरता है, क्योंकि जो श्रमिक वर्ग होता है, तो आप देखते हैं कि मार्क्स आते हैं, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स आते हैं, तो वो कहते हैं कि पूंजीवाद एक दिन समाप्त हो जाएगा, फिर एक क्रांति होगी, तो साम्यवाद की स्थापना होगी। तो जो श्रमिक वर्ग है, वो कहीं ना कहीं वो ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है कि एक समाजवादी विचारधारा जो है उभरती है, जो कि संपूर्ण समाज के कल्याण की बात करती है। तो इसका निष्कर्ष कहें तो समाजवाद संपूर्ण सामाजिक हित की बात करता है, समाज के सभी सदस्यों के लिए मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको प्रोवाइड करने की बात करेगा, आर्थिक जो है असमानता को कम करने की बात करेगा, सबके लिए अवसर प्रदान करने की बात करेगा, जो अत्यंत निम्न तबके के लोग हैं उनको भी मुख्य धारा में जोड़ना चाहेगा। आप देखते हैं वर्तमान में आरक्षण के माध्यम से, देखते हैं आप फीस में कमी करके, किस प्रकार से समस्त समाज कल्याण को ध्यान में रख करके एक समाजवादी राज्य के द्वारा कार्य किया जाता है। तो आई होप कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और मेरा वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए इसे लाइक कह रहे हैं, लाइक तो करें ही, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप अपनी स्टडी करते रहिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।